अफगानिस्तान संकट का शांतिपूर्ण हो समाधान, पीएम मोदी की अध्यक्षता में BRICS का आह्वान। भारत में पिछले 24 घंटे में 34,973 नए COVID-19 केस आए सामने, कल से 7.7% की कमी। असुद्दीन ओवैसी का सवाल, 2019 में तो यूपी में एक भी उम्मीदवार नहीं खड़ा, तो कैसे बीजेपी जीती। तालिबान सरकार को मान्यता देने की हड़बड़ी में नहीं है अमेरिका। तालिबान का असली रंग आया सामने, महिलाओं के खेलकूद पर लगाई रोक, क्रिकेट खिलाड़ी छिपकर रहने को है मजबूर। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट निगेटिव, खेला जाएगा मैनचेस्टर टेस्ट। राहुल गांधी ने 14 किलोमीटर पैदल चलकर किया वैष्णो देवी का दर्शन, बोले यहां कोई राजनीति टिप्पणी नहीं। गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में निषेधाज्ञा लागू, जुलूस निकालने की अनुमति नहीं। पिछले 7 वर्ष में कांग्रेस से सर्वाधिक नेता अलग हुए, जिसके चलते बीजेपी को सबसे ज्यादा लाभ हुआ। T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के मेंटोर बनाए जाने पर धोनी की BCCI से हुई शिकायत।